नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मृदुला। बिहार में शराबबंदी को लेकर बिहार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने अपना बयान दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में कार्यकर्ता जनता दरबार में शामिल होने आई परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि विपक्ष का काम ही शराबबंदी पर सवाल उठाना है, वो उठाते ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक क्या बोलते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। शराबबंदी कानून पूरी तरह से जो लागू है उसका फैसला हमारे नेता ने ही किया है, उस पर हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार के राज्य के निबंधित वाहन को अब राज्य में निबंधित कर आना ही होगा। परिवहन विभाग के मंत्री श्रीला मंडल ने कहा कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार में जो निबंधित वाहन है अगर उन्हें बिहार में चलाना है तो उन्हें किसी भी हालत में निबंधन कराना पड़ेगा, नहीं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। क्या कुछ कह रही है श्रीला मंडल, आप खुद सुनिए। जब हमारे वहाँ गार्जियन ही बैठे हुए थे और गार्जियन भी नहीं और पूरे मतलब जो पूरे बिहार की जनता का मांग था, महिलाओं की मांग थी, जो भी समाज का सभी लोगों ने मांग करके पक्ष विपक्ष सब ने इस बात का समर्थन किया था, तभी इस बिल को पास किया गया था। आप लोग भी जानते होंगे, तो इसमें कहने और सुनने की क्या बात है। इससे तो महिलाओं का ही मांग था, उसी के तहत तो काम हुआ था। विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा? देखिए, जिसका जो काम है उसका तो काम ही है, वो काम कर रहा है अपना। हम लोग की सरकार तो आप लोग जानते हैं कि काम करने वाली सरकार है, इसीलिए तो बिहार की जनता हम लोग पे विश्वास करती है। जो लोग समर्थन किए थे आज के वक्त में वही लोग विरोध में, उनके लिए क्या? देखिए, अब उसका अपना मामला है, कौन क्या बोलता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अब आपके जो साथ सहयोगी है बीजेपी के नेता विधायक ये कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार की जरूरत है, जो शराबबंदी है उसको खोल देना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज जनता दरबार है, पार्टी ऑफिस में लगा हुआ है, तो आप उस पर संबंधित सवाल होना चाहिए। ऐसे आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, उन कौन क्या बोलता है ये उनका मामला है, इस पर हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे ना कमेंट देंगे। नहीं, सवाल इसलिए उठाया कि आपके साथ सत्ता में सहयोगी हैं। आप भी हमारे साथ हैं, पूरे बिहार की जनता हमारे साथ है, तो हर बात सवाल का जवाब हो ये तो जरूरी नहीं ना। शराबबंदी कानून को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग बैठ करके सभी मंत्रीगण बैठे हुए थे वहाँ, 7 घंटे हम लोगों ने बात विमर्श किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक तरह से जिस तरह से हम लोगों ने जो क्राइम था उसको नियंत्रण किया, उसी तरह से इसको भी हम लोग नियंत्रण करेंगे। तो आप जो गार्जियन हमारे कह ही रहे, तो इसमें हमारा क्या कहने की बात है? आपके अंतिम सवाल ये है कि आप दूसरे जिलों में, झारखंड है वहाँ उसका रेट है, तो सभी लोग उधर से ही गाड़ी खरीदेंगे, तो फिर यहाँ जो लोग व्यवसायिक लोग जो शोरूम खोले हैं उसका क्या होगा? इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जो जहाँ बिहार के लोग यहीं गाड़ी खरीदें, बाहर का अगर दूसरे नंबर ले आते हैं तो फिर उसको दिक्कत होता है, इसलिए वो समस्याओं को ध्यान में रख करके ही ये काम को किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे सिटी पोस्ट के साथ, धन्यवाद।